अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फैंसी बर्ड स्पीक में। तो दोस्तों कैसे हैं आप तमाम दोस्तों? मेरा तमाम ठीक होंगे, हैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों ये आपके सामने एक फिशर का जोड़ा है मेरे पास और ये पट्ठू का जोड़ा है। तो दोस्तों ये एक ही जो जोड़े के ये बच्चे हैं, एक ही पेड़ के। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है वो हमारे एक दोस्त हैं, दुकानदार हैं, तो उनके पास जो है वो जोड़े लगे हुए जोड़े आए हैं, ठीक है। तो उनका मैसेज आया था, तो मैं सोच रहा था कि ये जो है ना पट्ठू का जोड़ा दे दूं और इस ब्रीडिंग सीज़न के लिए जो है वो जोड़ा लगा लगाया जोड़ा जो है वो उनसे ले लूं, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है कि इंशाल्लाह काबिल तमाद बनने हैं। पहले भी जब उन्होंने फिशर का जोड़ा दिया था मुझे, तो ये पट्ठे उसी जोड़े में से थे, ठीक है दोस्तों। तो अब मेरे ख्याल में ये जो मैं उनसे ना मेरे ख्याल में एक जोड़ा ले आता हूँ और ये दो पीस दे के दो पीस नारमादी के ले आते हैं, कन्फर्म जोड़ा लगा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो वो जोड़ा जो है वो इंशाल्लाह लाते हैं सेटअप पे, तो वो ब्रीडिंग के लिए जो है ना वो लगा देंगे। तो अभी तक मुझे जो है ये लटीनों के लिए फीमेल नहीं मिली दोस्तों, अभी तक उनके पास फीमेल नहीं आई कोई पट्ठी या कोई जो है ना बड़ी फीमेल। तो इसलिए अभी जो है ना ये इसी तरह ही मेरे पास रहेगा पड़ा, ठीक है। और ये जो जोड़ा है ये मैं जो है ना मेरा प्रोग्राम बन गया है कि मैं इसे ले जाऊं और इसकी जगह पे फिशर का बड़ा जोड़ा जो है ना ब्रीडर जोड़ा वो ले आऊं। अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, वरना अगर इसी में से एक पीस जो है वो रख लेंगे और अगर इसका दूसरा पीस को मिला तो वो दूसरा पीस ले आएंगे, अगर ना मिला तो दोस्तों फिर ये पूरे का पूरा जोड़ा ही चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये पट्ठू का जोड़ा है और ये अभी इस ब्रीडिंग सीज़न में ये ब्रीड तो करेगा इंशाल्लाह, लेकिन यह है कि ये नारमादी जो है ये दोनों एक ही जो पेड़ के ये बच्चे हैं, तो इसलिए इनको जो है ना लगाने का मकसद कोई नहीं बनता। और दूसरे नंबर पे जो मेरे पास दूसरा जोड़ा है फिशर का जो मैंने लगाया हुआ है, ठीक है दोस्तों, वो दूसरे केज में, तो उन्होंने अभी तक अंडा एक अंडा भी नहीं दिया, ठीक है दोस्तों। तो फिर वो अभी तक अगर अंडा नहीं आया तो फिर अभी बच्चे कहाँ पे आएंगे और कितनी देर लग जाएगी। तो फिर इसलिए मैं सोच रहा था कि एक लगा लगाया जोड़ा ले आते हैं, वो भी इंशाल्लाह यहाँ पे लगाते हैं। और दूसरे नंबर पे दोस्तों ये मैं आपसे थोड़ा सा शेयर कर दूँ कि ये मेरे पास एक जोड़ा, मैंने फिशर का जोड़ा ला के ये मैंने छोड़ा हुआ है ये मटकी के अंदर। एक तो ये जोड़ा है, ठीक है, और ये जोड़ा मैं लेके जा रहा हूँ बाजार, तो इसकी जगह पे जोड़ा एक नया ले आते हैं और ये दरमियान में से पार्टीशन जो है ना वो निकाल लेंगे। फिशर जो है ना, फिशर का कलोनी जो है ना, फिशर की कलोनी में ये कलोनी ब्रीड में ये बहुत अच्छा है। तो ये जोड़ा जिसकी मैं बात कर रहा था कि अभी तक इसने एक अंडा भी नहीं दिया और इसने अभी बच्चे कहाँ से निकालने हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपसे शेयर करता हूँ और ये आपके सामने है इसका मटकी का हाल, ठीक है। तो लटीनों के साथ मैंने लगाया था इसकी मटकी और इसकी मटकी सेम डे पे लगाई थी, एक दिन में लगाई थी, और लटीनों ने अंडे भी दे दिए हुए हैं। तो इसकी प्रोग्रेस भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन शेयर करूँगा आपसे। तो इसने अभी तक कुछ नहीं किया, तो इसको भी मैं यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है दोस्तों। इसको निकाल के तो इस जोड़े के साथ ही यहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि इधर भी फिशर होगा, इधर भी फिशर होगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये ब्रीड कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसको लेके चलते हैं बाज़ार और इसकी जगह पे एक ब्रीडर जोड़ा लेके आते हैं। तो और दोस्तों एक और काम करना है कि ये मेरे पास यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन है, यहाँ पर मेरे पास ये एक ग्रीन ब्लैक है, इस बजी जो है ये मेरे पास एक नर है, ये मैं देना चाहता हूँ। और इसकी जगह पर जो है ना एक तो मेरे ख्याल में मादी होनी चाहिए, फैलो की मादी, पता करेंगे, अगर फैलो की मादी मिल गई तो इंशाल्लाह वो ले आएंगे, अगर ना मिली तो फिर ये दे के तो फिर मादी सादी मादी जो ब्लैक आइज मादी है, क्योंकि ये भी ब्लैक आइज और ब्लैक आइज मादी ले आएंगे। और एक ये रेड आइज मादी मेरे पास पड़ी है फ्री में, तो इसको भी दे के एक ब्लैक आइज मादी जाना वो ढूंढ के ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो नार मेरे पास, एक फैलो का नार है और एक ये वाला सामने नार है, ठीक है। ये मेरे पास फालतू हैं, तो ये जो है ना इसका कुछ कर लेंगे। तो दोस्तों अभी ये भी पकड़ते हैं, ये वाला नार और ये रेड एज की मादी, और दोनों को पकड़ के तो इस जोड़े को दे के तो दोनों ब्लैक एज मादियाँ लेके आनी है, तो वो भी काम आज ही करते हैं फिशर के साथ ही। तो ये दोस्तों इब्रार साहब के पास फिशर के पीस आए हुए थे, तो इसमें से हमने एक नर निकाल के तो डाल लिया जाली में, तो मादी मैंने अपनी रखी है और यहाँ से एक नर जो है ना वो चेंज कर लिया, तो नर मादी मेरा जोड़ा बन गया।
ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये यहाँ पे जो है ना, ये इनके पास नारी हैं, ठीक है जी। ये यहाँ से कॉमन वाइट का नर ले लेते हैं और यहाँ से ग्रे का, तो ये दोनों ले जाते हैं क्योंकि मेरे पास मादियाँ शायद ज़्यादा हैं। वो चेक करेंगे तो इंशाल्लाह फिर इनको मादियाँ दे जाएंगे और नर जो है ना ये इनसे ले जाते हैं। तो ठीक है, अब सेटअप पे जाते हैं तो फिर इनको निकाल के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखें, मैं जो है ये दो नर दुकान से ले आया हूँ और दो ब्लैक आइज़ की मादियाँ, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करता हूँ। और इसमें मैंने फ़िशर का एक जो पीस था वो मैंने चेंज किया था। तो चलें इन्हें निकालते हैं सारे, सब जानवरों को आपको दिखाते हैं। तो ये दोस्तों देखें, ये मैंने फ़िशर का जोड़ा जो है ये छोड़ दिया है। तो इसमें नर जो है वो मैंने चेंज किया है और मादी जो है वो मेरी घर की मादी थी। तो उधर जाके चेक जब किया है तो फिर जो है ना इब्रार साहब को मैंने बोला है कि यार जिस तरह आप जो है ना बेहतर समझ दें, तो उन्होंने फिर जो है ना वो नर मुझे नया दिया है और मादी मेरी जो है पहले जहाँ पे पट्टी थी घर की वही मेरे पास जो है ना वो रह गई है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो है ना ब्रीड मेरे पास करेंगे। अब जोड़ा मेरा ये बन गया। तो अब दोस्तों चलते हैं दूसरे जानवरों की तरफ। तो यहाँ पर पहले जो है ग्रे का नर जो है यहाँ पर छोड़ते हैं। यहाँ पर मेरे पास ग्रे की सारा माल है, ग्रे की सारी जो है मोटिशन है सारी ग्रे है। तो यहाँ पे छोड़ते हैं। अब फिर यहाँ दूसरा कॉमन वाइट का जो वो सामने जो नर मादियाँ बैठी हैं वहाँ पे उनको छोड़ते हैं। तो ये दोस्तों ये फैलो की मादी मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, और ये आपके सामने नर है कॉमन वाइट का, और एंड पे ये ब्लू कलर की मादी है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने दोस्तों सारी जो है ना तीन पीस में लेके आया हूँ। ये कॉमन वाइट का नर है और एक ब्लू जो मादी, और एक ये जो रेड आइज यानी फैलो की एक मादी, ठीक है। अब मुझे कुछ चेंजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं जो है ना जोड़े लगा दूंगा। वीडियो का यहाँ ब्रांड करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।